एनिमल फिल्म में अबरार हक के किरदार को जीवित करने वाले बॉबी देओल इन दोनों चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और इस फिल्म से बॉबी देओल के करियर को एक नई दिशा भी मिल चुकी है। इस फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद वो इस फिल्म की सफलता को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बॉबी देओल के बड़े बेटे के डेब्यू को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो तमाम स्टार किड्स के लिए काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल एनिमल फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बॉबी देओल अपने बड़े बेटे के साथ स्पॉट किए गए थे। वहां पर फिल्म के लीड हीरो रणबीर कपूर का भी आना था। तो इस वायरल वीडियो में बॉबी देओल ने अपने बेटे की झलक को दिखाया था। तब लोगों ने बॉबी देओल के बेटे की वाहवाही करते हुए कहा था कि बॉबी देओल का बेटा तो रणबीर कपूर से भी ज्यादा हैंडसम है। बॉबी देओल के बेटे का नाम है आर्यमान और आर्यमान देओल भी अपने डेब्यू को लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। और इसी बीच बॉबी देओल ने आने वाले सितारों और अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी बात कहती है जिसकी इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा रही है। बॉबी देओल ने नए सितारों को हिंदी सीखने की सलाह दे डाली है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से दी आर्चीज फिल्म में स्टार किड्स अंग्रेजी स्टाइल में हिंदी बोलते नजर आए उसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब जमकर ट्रोल भी किया गया। अब उन्होंने हिंदी सीखने पर जोर दे दिया है। होता यूँ है कि बॉबी देओल ने अपने बेटों आर्यमान देओल और धर्म देओल के एक्टिंग की दुनिया में इशारा करने के साथ ही ये भी कह दिया है कि उन्हें एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले हिंदी में अपना हाथ मजबूत करना होगा। फिल्म कंपेनियन के साथ अभी हालिया में बातचीत के दौरान बॉबी देओल का कहना था, मेरे बेटों की तरह वो भी एक्टर बनना चाहते हैं और मैं उनसे हमेशा कहता रहता हूँ कि पहले अपनी हिंदी ठीक करो। हिंदी ठीक नहीं बोलते हैं क्योंकि आदत नहीं है ना, सब अंग्रेजी बोलते हैं एक दूसरे से। मुझे लगता है कि एक बार आपकी अपनी लाइंस का कमांड हो जाएगी तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करेक्टर को फील ही करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि नए जनरेशन के स्टार किड्स को बॉबी देओल की यह सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि बॉबी देओल चाहते हैं कि अपने करेक्टर के साथ वो सभी स्टार किड्स न्याय कर सकें और ऐसे में वो अपने बेटों को भी यही गुण सिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही बात करें एनिमल फिल्म की तो बॉबी देओल की फिल्म एनिमल को संदीप रेड्डी वेंगा ने डायरेक्शन दिया था और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड तकरीबन 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। फिल्म में बॉबी देओल के अलावा रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना भी लीड किरदार में नजर आई थी। हालांकि फिल्म में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बॉबी देओल बटोर लेंगे। 3.5 घंटे की फिल्म में बॉबी देओल ने 15 मिनट के किरदार को ऐसे अमर करके दिखाया जिसकी चर्चाएं अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है।